सो वी आर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्व की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी फोर्स से होता है पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो इसमें क्या लगता है हैज़ हैव बीन वर्व की फर्स्ट फॉर्म प्लस आइन जी पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या लग जाता हैड लग जाता है एंड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हैज़ हैव बीन वर्ब वर्क फ्रॉम फॉरन सिन्स तो यहाँ पे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं बट अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू रहे हैं तो हम ये टेंस यूज़ करते हैं पास्ट में स्टार्ट हुए अभी कंटिन्यू जैसे तनु हैज़ विन लिविंग इन मसूरी फॉर अ मंथ मतलब पास्ट में रह रही थी अभी भी रह रही है तो पास्ट में स्टार्ट हुए हैं लेकिन अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है तो उसको हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आई हैव बिन रीचिंग इंग्लिश सिंस टू थाउजें फिफ्टीन तो इंग्लिश उस टाइम से पढ़ा रहे हैं अभी तक कंटिन्यू है था। था। अब जैसे हम फॉरन सेंस का कब यूज़ करते हैं फॉर पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम बोलते हैं ना ड्यूरेशन दिखाने के लिए से हमारा जो पीरियड होता था कितने एक घंटे का होता था स्कूल में पीरियड कितना एक घंटे का होता था जैसे कॉलेज में क्लास कितनी होती है फिफ्टी मिनट्स की होती है तो ये पीरियड दिखाता है पीरियड कुछ ही पटिकुलर टाइम को दिखाता है ड्यूरेशन को दिखाता है और एग्जैक्ट टाइम उसमें हम सिंस का यूज़ करते हैं जैसे पीरियड दिखाते हैं जैसे फॉर अ सेकेंड मिनट आर फॉर अ डे फॉर अ वीक अ मंथ अ ईयर जैसे एक घंटे का पीरियड होता है जैसे एक सेकंड का एक मिनट का फॉर अ डे वीक को मत यहाँ पे क्या रहा है फॉर यूज़ हो रहा है पीरियड और टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस अ लॉन्ग टाइम फॉर इयर्यर्यस तो सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होता फॉर अ लॉन्ग टाइम होता हम याद रखना है सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होता इट इज रॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम करेक्ट सिंस अ लॉन्ग टाइम इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम इज करेक्ट एंड फॉर इयस यहाँ पे फॉर यूज़ होता है देन अगर हम सिंस यूज करें पॉइंट ऑफ टाइम एक्जेक्ट टाइम अगर बताएं जैसे सिंस फाइव थर्टी सेवन ए एम सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग सिंस जुलाई जून सिंस जुलाई सिंस नाइनटी नाइनटी सिंह सिंस मंडे सिंस ट्यूजडे सिंस चाइल्डहुड सिंस चाइल्ड हुड जैसे शिंस दिवाली दिवाली से सेंस दिवाली आई एम सीरियस सिंस दिवाली सिंस होली सिंस लास्ट नाइट सिंस लास्ट वीक लास्ट मंथ सिंस लास्ट जैसा बोलेंगे सिंस लास्ट नाइट लास्ट वीक लास्ट मंथ तो यहाँ पे सब क्या गिर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट टाइम अगर बताएं तो वहाँ पे सिंस यूज करेगा पीरियड ऑफ आर टाइम पे वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे तो मैं एक और चीज़ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ हैव यहाँ पे क्या सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्क की आइन जी फॉर्म फॉरन सेंस एंड सब्जेक्ट हैज़ है वर्क की थर्ड फॉर्म और फर्स्ट सेंस दोनों ही यूज कर सकते हैं हम इवन ये जो हमारा सिंपल जो पास्ट टेंस सिंपल परफेक्ट टेंस होता है उसमें भी हम फॉरेन सेंस यूज़ करते हैं जैसे शी हैज़ बी लिव इन लंदन फॉर अ मंथ या शी हैज़ लिव्ड इन लंदन फॉर मंथ दोनों का मतलब सेम होता है मतलब बस इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हम ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम टाइम पे ज़्यादा फोकस करें फॉर अ मंथ और यहाँ पे हम एक्शन पे ज़्यादा फोकस करें शी हैज़ लिवड इन लंदन फॉर अ मंथ तो शी हैज़ बिन लिविन मंदर लंदन फॉर अ मंथ यहाँ पे इस पर ज़्यादा फोकस है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमें याद रखना है कि दोनों को सेम तरीके से लिख सकता है या हेज़ हेव बिन वर्ल के थर्ड फॉर्म या हैज़ हैव वर्क की थर्ड फॉर्म दोनों का मतलब सेम निकला शी हैज़ बिन लिव इन लंदन फॉर अ मंथ इसको ऐसे भी लगता है कि शी हैड लिव्ड इन लंदन फॉर अ मंथ हमें पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन वर्क की फर्स्ट आईन जी फॉर्म एंड फॉर एन सिंस एंड फॉरम आता फ्यूचर परफेक्ट कॉन्स्टिटेंस टेंस इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस विल शाल हैव बीन वर्क की आईन जी फॉर्म फॉर फॉर फ्रॉम तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे विल शाल हैव बीन बीन और लग जाता है बीन और लग जाता है विल शाल हैव बीन वर्क के आईन जी फॉर्म और फॉरन फ्रॉम